बोला मेरे से नहीं होगा, बोला ये दरवाजा है, ऐसे नहीं होता, तू निकल, तू मेरे टीम में नहीं रह सकता। मैं हर आदमी से एक्सेलेंस को डिमांड करता हूं। आई में हम कहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारे वैल्यूज क्या होंगे ये बहुत ही जरूरी है। तो गांधी जी का कोर वैल्यूज था अहिंसा। उन्होंने कहा कि हम रोज सुबह सरदार, हम रोज सुबह उठेंगे देश को आजाद करने के लिए, लेकिन हिंसा का यूज नहीं करेंगे। तो पर्पस क्लियर और वैल्यूज क्लियर, और फिर उसको सिखाओ नेटवर्कर को, हम रोज सुबह उठते हैं, इंडिया में हर आदमी को जो भी हमारे संगत में आता है उसे फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए हम उठते हैं, और हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम लोगों से एक्सेलेंस डिमांड करेंगे, हम लोगों को सिखाएंगे, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग में सिखाना पड़ेगा, साथ में नेटवर्किंग कैसा करने का, अनजान आदमी को कैसे मिलने का, सेलिंग कैसे करने का, मीटिंग कैसे करने का, उठने का कभी, कौन सा बुक पढ़ने का, सीडी कौन सा देखने का, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। साथ में लक्ष्य भी क्लियर होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे 10 वैल्यूज है, कोर वैल्यूज, जो भी मेरे संगत में काम करता है उससे हम ये वैल्यूज को फॉलो करने के लिए, निभाने के लिए कहते हैं। सबसे पहला, मैं हमेशा आदमी से एक्सेलेंस डिमांड करता हूं। यू नो, मैं हर आदमी से एक्सेलेंस को डिमांड करता हूं, किसी को नहीं छोड़ता हूं, मैं हर आदमी से एक्सेलेंस डिमांड करता हूं। ये है मेरा कोर वैल्यूज। तो मैं उनको पहले ही बोलता हूं, मैं आपके पीछे पड़ूंगा, आपके चड्डी में बम लगाऊंगा, आपको पुश करूंगा, आपकी मैं बजा डालूंगा, लेकिन आपसे बेस्ट मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरा वैल्यू है डिमांडिंग एक्सेलेंस। तो आपको ठीक लगे तो ही मेरे टीम में रहना, क्योंकि फिर बोले नहीं सर बहुत दर्द होता है, मेरे से इतना नहीं होगा, ये सब नहीं, तेरे से नहीं होता, तू निकल, तू मेरे टीम में नहीं रह सकता। क्योंकि टीम में अगर रहना है तो उसको अपना वैल्यूज फॉलो। दूसरा, मैं हमेशा चैलेंज करता हूं स्टेटस को मेरा दूसरा वैल्यू है चैलेंजिंग द स्टेटस को का मतलब है परंपरागत जो चली आ रही है उसको मैं चैलेंज करूंगा। जो चलती आ रही है उसे मैं हमेशा फॉलो नहीं करूंगा, हर वो चीज जो चलती आ रही है उसे मैं चैलेंज करूंगा, और भी बढ़िया चीज क्या हो सकता है उसके बारे में। तीसरा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो मैंने खुद नहीं किया है। मैं तुम्हें पैसा बनाने को बोलूंगा जबकि मैं पैसा नहीं बना, मैं तुम्हें रीडिंग करने नहीं बोलूंगा अगर मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं। तो मेरा वैल्यू ये है, तो मैं लोगों को पहले दिन से सिखाऊंगा कि जो तू कर रहा है ना साले वही बोलना, मतलब तू पढ़ाई कर रहा है ना तो तू बोलने का पढ़ाई कर तू भी। अगर तू टाइम पे मीटिंग चालू करता तो सबको बोल मीटिंग टाइम पे चालू होना चाहिए, नहीं तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। तू अगर चैलेंज ले रहा है तो लोगों को चैलेंज लेने की बात कर। तू अगर बड़ा सोच रहा है, तू लगातार आगे बढ़ना चाहता है तो तू लोगों को बोल हमें लगातार आगे बढ़ना है। तो स्पीकिंग फ्रॉम मीनिंगफुल एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि जो मैं करता हूं वही मैं बोलता हूं। यह है मेरा वैल्यू नंबर 3। मेरा चौथा कोर वैल्यू है जबरदस्त क्वेस्ट टू लर्न। मेरे को पढ़ने की बहुत चाहत है और मैं जानता हूं पढ़ने से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो तुझे भी साले पढ़ना पड़ेगा। वो बोला मेरे से नहीं होगा, बोला ये दरवाजा है, इकड़ून जाए, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले को पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये लाइन में हम अलग अलग लोगों को मिलते हैं, हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल से, अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल से, अलग अलग तरीके से हमें लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देयरफॉर एक खेती करने वाला आदमी जब आता है और उसके नीचे 500 आदमी आएगा तो पहले उसने 500 आदमी को हैंडल किया है कि कभी यस और नो? नहीं। तो उसको हैंडल करने की कलाकारी तो आनी चाहिए। और वो बोलता मैं पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो हैंडल करने का जो तरीका सीखना है वो खेती करने वाले को कौन सिखाएगा उसको? और वो अगर सीखने को तैयार नहीं है तो 500 आदमी को टीम बना पाएगा यस और नो? नहीं। फिर तो मेरी जो वैल्यूज है वो है पढ़ाई करना चाहिए।
अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपका ये वैल्यूज होना चाहिए, मैं मेरी वाली बता रहा हूं, तुम तुम्हारी वाली बता, कुछ है तो। मैं हमेशा रिजल्ट में बिलीव करता हूं, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड। तो मैं मेरे टीम के आदमी को बोलता हूं, आई एम नॉट रीजन ओरिएंटेड, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड। जो रिजल्ट पैदा करता है वो रीजन नहीं देता है, और जो रिजल्ट पैदा नहीं करता वो टोटल क्या देता है, रीजन देता है। सर त्याचं काय झालं, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो कि मैं वो करने वाला था तो मेरी बीवी भाग गई, फिर मैं वो करने वाला था तो वो बच्चा पैदा हो गया, फिर मैं करने वाला था तो फिर मेरा भाई को एड्स हो गया, फिर मैं करने वाला था तो ये हो गया, फिर वो क्या है गांव में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉपर्टी का थोड़ा डिस्प्यूट हो। तो ये जो रीजन देने वाले होते हैं ना, ये कभी रिजल्ट पैदा नहीं करते। रिजल्ट पैदा करने वाले कभी रीजन नहीं देते, और रीजन देने वाले कभी रिजल्ट पैदा नहीं करते। तो मैं मेरे टीम को, जब ये कौन सा स्टेज चालू है, टीम बिल्डिंग का कौन सा स्टेज चालू है, फॉर्मिंग, या यहां पर ही सबको सिखा रहा हूं, भैया तुझे मेरे टीम में रहना है तो तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे रिजल्ट पैदा करना पड़ेगा, तुझे चैलेंज लेना पड़ेगा, तुझे दर्द लेना पड़ेगा। तो पहली मैं वैल्यूज बता देता हूं, और पहले दिन अगर वो निकल जावे तो मेरे को फिर उसके ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं ना। और मैं रिश्ते में बिलीव करता हूं, रिलेशनशिप फॉर लाइफ, सिर्फ परफॉर्मर्स के साथ। हेलो, मेरे को हर आंडू पांडू के साथ रिश्ता नहीं बनाने का, मेरे को जो धंधा करता है उसके साथ ही रिश्ता बनाना है। मैं पहली बोल देता हूं, तो तू धंधा करेगा, मेरा तेरा एकदम सॉलिड जमेगा, और स्टोरी सुनाएगा तो मैं तेरे पिछवाड़े में लात मारेगा। तो पहली वैल्यूज, मुझे तकलीफों से डिसरिगार्ड, मुझे तकलीफों से कोई लेना देना नहीं, डिसरिगार्डिंग, मेरे को दर्द वगैरह से कोई लेना देने नहीं। अगर काम नहीं हुआ तो मैं अल्टरनेट डे सोएगा, अगर काम नहीं हुआ तो तीन दिन तक नहीं सोएगा। तो मेरे को तकलीफ बिकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे वैल्यूज हैं। और जो सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उसको मैं डिफाई करता हूं, और दूसरा है मैं जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, परंपरागत जो सोच है, उसे मैं हमेशा चैलेंज करता हूं, और तीसरा मैं अपने आप को ये मानता हूं कि आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू आहे याच्यावर, माझा काम झालेला नाही। कई नेटवर्कर होते हैं, वो अपना रोड पे वो बोर्ड रहता ना, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क काम चालू आहे, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा ऊपर का जो काम है ना वो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने अंगड़ाई ली है नायडू, अभी तो मैं काम चालू करने वाला हूँ, शेट्टीकर साहब मैं काम चालू करने वाला हूं, मैं काम चालू, तो मेरे ऊपर काम पूरा हुआ नहीं है, आई विल रिमेन वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखिए, जब मेरे साथ लोग जुड़ते हैं तो मैं बताता हूं, हमें रोज सुबह उठना है धंधे वाले की सोच को बदलने के लिए, और हम में अगर ये क्वालिटियां रहेगी तो हम ये सोच को बदलेगा। तू मेरे साथ आता है क्या, तू काम कर सकता है क्या, तू जैसे होनर का मग माजा संगति नहीं है। इसी तरह से गांधी का एक ही कोर वैल्यू था, अहिंसा, कि मेरे साथ मेरा लक्ष्य है इंडिया का आजादी, फ्रीडम ऑफ इंडिया, लेकिन उसमें मैं नॉन वायलेंस के साथ ही वहां जाना चाहता हूं। वायलेंस वाले से मेरा कोई मतलब मेरा कोई मारामारी नहीं है, मेरे को उसके साथ काम नहीं करना है। तो आपको अगर टीम बनाना है ना, तो फॉर्मिंग स्टेज में ही आपको ये सब चीजें बता देना चाहिए। दूसरा, फॉर्मिंग स्टेज में इंडिविजुअल का मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया है दो पॉइंट, कि यहां पर हम इंडिविजुअल्स को मिलाते हैं, जैसे शाहरुख खान।